नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोमांस के किंग खान कही जाने वाले शाहरुख खान को लेकर। बता दें कि शाहरुख खान के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में शाहरुख खान गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में US के लॉस एंजलिस में एक शूट के लिए गए थे, वहां पर उनका एक एक्सीडेंट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वहां उनकी सर्जरी भी करनी पड़ी। शाहरुख के नाक में चोट लगने से खून बहने लगा, जिसके बाद उनका एक छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान लॉस एंजलिस में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए गए थे, जहां उनके साथ ये हादसा हो गया। मिले जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान को नाक में चोट लग गई और उनकी नाक से खून बहने लगा, जिसकी वजह से उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, खून रोकने के लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद शाहरुख खान की नाक पर बैंडेज बंधा दिख रहा है। शाहरुख खान अब भारत लौट आए हैं और इस चोट से उबर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है और फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। शाहरुख के प्रोफेशनल फ्रंट की अगर बात करें तो इस साल उनकी रिलीज हुई फिल्म पठान ने हर जगह धमाल मचा रखा था। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए की कमाई की। फिलहाल वे अपनी आने वाली फिल्म जवान का इंतजार कर रही है। फिल्म का ट्रेलर 1 महीने पहले रिलीज किया गया। इस ट्रेलर को 12 जुलाई को आपको बता दें कि फिल्म का ट्रीजर 1 महीने पहले रिलीज किया है और 12 जुलाई को ही रिलीज की जा सकती है। फिल्म ट्रेलर को टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल और डेड रिकॉर्डिंग के साथ थिएटर में दिखाया जाएगा। शाहरुख खान स्टारर फिल्म को इटली कुमार ने डायरेक्ट किया है। आपको बता दें कि इसका निर्माण शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और गौरी खान ने किया। इसके अलावा शाहरुख खान के पास राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी भी है, जिसमें उनके साथ विकी कौशल और तापसी पन्नू नजर आएंगे। आपको बता दें कि शाहरुख खान के एक्सीडेंट की खबर ने उनके फैंस के बीच काफी ज्यादा खलबली मचा दी। सोशल मीडिया पर लगातार फैंस अपने चाहते एक्टर का हेल्थ अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दे कि अब शाहरुख खान ने अपना हेल्थ अपडेट दे दिया है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे कि अब वो खतरे से बाहर है और जिसके बाद अब फैंस ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इससे पहले भी शाहरुख खान कई बार फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। चाहे वो कितने भी ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन वो अपने शूट को पूरा करने के बाद ही राहत की सांस लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9।